दुनिया की चाल पे ये रखते हैं नजर, पाप और पुण्य क्या है यहाँ रखे सबकी खबर। वो दिल से लिखते हैं शामो सहर, आपको हंसाने आ गए हैं शंभू शिखर, 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 आ गए हैं शंभू शिखर। नमस्कार दोस्तों, आज विश्व लाफ्टर दिवस। हंसी तो इसी बात पे आ गई कि हिंदी और अंग्रेजी को एक साथ मिला करके बोल दिया, यानी कि आज विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे, इस पर एक विशेष प्रस्तुति लेकर के आप लोगों के बीच में मैं शंभू शिखर, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। आप लोग कृपया अपने अपने घरों से एक अलग तरह के कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। हमारे साथ दुनिया भर की ऑडियंस जुड़ी हुई है, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग वो इस लाइव कवि सम्मेलन का मजा ले रहे हैं। आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। चार लाइनें सबसे पहले, आज क्योंकि हास्य दिवस है इसलिए कहना चाहता हूं कि मन हूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, मन हूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। धन्यवाद, क्या शानदार हंस रहे हैं आप लोग। चार लाइनें सुनिएगा और ज्यादा अपने आनंद को बढ़ाइएगा। हंसी हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है, हास्य के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आजकल हम सब क्वारंटाइन में हैं, इस क्वारंटाइन में रह करके अपने आप को हम कैसे रह रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं। चार लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए इन चार लाइनों का। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई, मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। इस क्वारंटीन में क्या आनंद ले रहे हैं आप लोग, धन्यवाद। लेकिन क्या कुछ और लोगों पर बीत रही होगी, हमारे राजनेताओं पर कैसे ये क्वारंटीन चल रहा होगा, खासकर शशि थरूर पे, इसका भी आनंद लीजिए। अब किसको देख करके आह भर रही होगी, यादों में मेरी आंखें उसकी तर रही होगी, यादों में मेरी आंखें उसकी तर रही होगी, है बंद लॉकडाउन में सारी ही हसीना, है बंद लॉकडाउन में सारी ही हसीना, क्या कुछ शशि थरूर पे गुजर रही होगी, क्या कुछ शशि थरूर पे गुजर रही होगी, क्या कुछ शशि बनता हुआ बस अपना मीम देख रहे हैं, बनता हुआ बस अपना मीम देख रहे हैं, नेट पर नई नई ये थीम देख रहे हैं, सब बंद घरों में है देखे राम कृष्ण को, सब बंद घरों में है देखे राम कृष्ण को, राहुल जी मगर छोटा भीम देख रहे हैं, राहुल जी मगर छोटा भीम देख रहे हैं, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते।
किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बना। हम सुनिएगा चार लाइनें जो हमने इस लॉकडाउन में एक अलग धुन पे बनाई। रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो, रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो, बच्चों से बातें कर लो और बड़ों का भी सम्मान करो, रोज नई पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे, लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो, लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। तो अपने अपने घरों से इस अनोखे कवि सम्मेलन का मजा ले रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास का माहौल कैसा है? एक खान मियां तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे, पहली बार ये मिश्रा जी अपने बच्चों को खिला रहे, शर्मा जी तो खैनी के संग ताल अकेले बजा रहे, वर्मा जी तो बालकनी में कपड़े धोके सुखा रहे, वर्मा जी तो बालकनी में, हालांकि तिवारी जी का भी यही हाल है, वर्मा जी तो बालकनी में कपड़े धोके सुखा रहे। और चार लाइनों का आनंद लीजिएगा ऐसे कि बैठे बैठे क्या करोगे, साफ सफाई करवा लो, पढ़ो कहानी कोई पुरानी, घर में आटा गूंदवा लो, लेटे लेटे जो भी यारो बदन दर्द से पीड़ित है, जाके चौक चौराहे पर वो पुलिस झाड़ा लगवा लो, जाके चौक चौराहे पर वो पुलिस झाड़ा लगवा लो। तो पुलिस का झाड़ा आजकल कोरोना रोकने में बड़ा ही कारगर साबित हो रहा है। चार लाइनें आप लोगों के सामने और प्रस्तुत है। ये चार लाइनें मैंने तब लिखी जब 370 खत्म हुई। 370 खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई, राम रहीम ने इच्छाधारी बाबा को खिला दी, इच्छाधारी बाबा ने राम बल को खिला दी। जब सभी बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा ये 370 के खत्म होने पर तुम क्यों खुश हो रहे हो? बाबा बोले बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की भी अपनी अपनी आस है, लेकिन 370 तो खत्म हुई। अब उससे पहले खत्म हो गई थी 377। ये क्या है? आर्टिकल 377। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आनंद लीजिएगा। धारा 377, लिमका समझ के लाए थे बासा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चीनी बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो वही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम आठवीं पास करके नौवीं में चले। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, नौवीं में चले गए थे नासा। वैज्ञानिकों ने दो मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ।
मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सच बता रहा हूं मित्रों, हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और इससे बड़ी घटना साहब, मैं इससे पहले कुछ भी सुनाऊं, जितने भी लोग सुन रहे हैं एक बार सारे लोग जोरदार तालियां बजाइए हमारी इसरो के लिए। ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी है। ये तालियां मैंने इसरो के इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया, मैडम बोली लड़कियां उस रो में बैठेंगी, लड़के किस रो में अपना इसरो से। कहते हैं बिहारी टॉप करते हैं, करें क्यों नहीं। एक आदमी को पास करवाने के लिए हमारा पूरा खानदान छठी मंजिल तक पहुंच जाता है। दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करें। चीनी को बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2,000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितने देंगे? मैंने कहा जी वो नहीं देंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा अगर माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। और दोस्तों चलते चलते, क्योंकि आज विश्व हास्य दिवस है, मैं 4 लाइनें सुनाकर आज के इस कवि सम्मेलन को समाप्त करता हूं। कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुनी यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हसीना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा यह एक अनोखा प्रयास? पूरे देश भर के अलग अलग जगह से ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी, उनके लाइव रिएक्शंस भी हमने कैच करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप लोग भी अगर ऑडियंस के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो आकर के हमारे चैनल पर कमेंट करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने और भी सुझाव देते रहिए, इसी तरह से बने रहिए। कोरोना में एकला चलो, मिलकर लड़ो। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।